नमस्कार देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा परिसर में वार्षिक कृषि उन्नति मेले को संबोधित करेंगे और जैविक कृषि पर पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 25 कृषि विज्ञान केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के शनिवार से शुरू होने जा रहे महाधिवेशन में कांग्रेस की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। महाधिवेशन में इस बार नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 31 लोगों के खिलाफ CBI की विशेष अदालत चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में आज शनिवार को फैसला सुनाएगी। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद सत्तारूढ़ योगी सरकार ने शुक्रवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। दरअसल CM योगी ने 16 GM, 4 कमिश्नर समेत 37 IAS के तबादले कर दिए हैं। जिन DM के तबादले किए गए हैं इनमें गोरखपुर DM राजीव रौतेला का नाम भी शामिल है। वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी मामले में आरोपी भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या शुक्रवार को ब्रिटेन की एक अदालत में पेश हुए। वो यहां अपने खिलाफ चल रहे प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के सिलसिले में पेश हुए। चीन के विधायी निकाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शनिवार को शी जिनपिंग के दूसरे कार्यकाल को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक शी 2023 तक देश के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। शी ने 2013 में राष्ट्रपति पद संभाला था। तिब्बतियों के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा ने कहा है कि तिब्बत का चीन के साथ उसी तरह से अस्तित्व रह सकता है जिस तरह से यूरोपीय संघ के देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने फिर कहा कि वह अपने देश के लिए सिर्फ स्वायत्तता चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने 2 साल में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड डेटा यूज करने वाले देश बना दिया है। अंबानी ने टेलीकॉम बिजनेस में उतरने की वजह का खुलासा किया है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने डास ट्रॉफी T20 ट्राई सीरीज के करो या मरो के मुकाबले में आज एक दूसरे के मुकाबले होंगे तो उनका इरादा अपनी गलतियों से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन का होगा। दोनों में से विजेता टीम 18 मार्च को फाइनल में भारत से खेलेगी। पटियाला की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी को 14 साल पुराने कबूतरबाजी के मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, घरेलू आटा चक्की की शानदार रेंज, घर का आटा, शुद्ध आटा, घर में ही पीसे, मिलावट से बचे। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।